किसानी मसले ते सुप्रीम कोर्ट दे कमेटी बनाउण दे सुझाव दे नाल जुड़ी हुई एक वड्डी खबर सामने आ रही है। अठ किसान जथेबंदियां नूं कोर्ट विच पेश होण दी इजाजत मिल गई। अज नाम मंगे गए सन सुप्रीम कोर्ट वल्लों, अठ किसान जथेबंदियां नूं इह इजाजत मिली है, अपना जाके पाखे रख सकदियां ने। कि नाम शामिल ने वह भी देख सकते हो तुसीं। BKU, भारतीय किसान यूनियन, राकेश टकैत, सिद्धूपुर, राजेवाल, लखोवाल, डकौंदा ते दुआबा, ये जथेबंदियां शामिल। जमहूरी किसान सभा ते कुल हिंद किसान फैडरेशन भी मंजूरी मिली है। कल मामले की सुनवाई होनी है। तुहानूं दस दईए कि सुप्रीम कोर्ट ने अज मामले के हल लई कमेटी के गठन का सुझाव दिता सी। कमेटी विच किसान जथेबंदियां ते केंद्र सरकार के नुमाइंदे शामिल करन नूं कहा सी। ये हुण सुझाव जिहड़ा वो दिता गया, अठ जथेबंदियां अपना पक्ष कल रखणगियां जदों कमेटी के बारे नाम पेश किए जाएंगे सरकार के वलों। अज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में किसानों को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया, फिर उस फैसला किवें दिता जा सकता है। जमहूरी किसान सभा, कुल हिंद किसान फैडरेशन, पंजाब की अगर किसान जथेबंदियों की गल की जाए तो राजेवाल, डकौंदा, ये सारिया जथेबंदियां शामिल ने। मेरे नाल मेरे सहयोगी रमन जुड़ गए हैं लगातार सिंघू बॉर्डर तो सानू जानकारी दे रहे हैं। रमन, अज की विचारा हुई हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिता सी, सुझाव दिता सी, उस बारे खुल के कुछ दस्या नहीं गया। अंदर खाते की चल रहा, की सोच रहे हैं किसान अज के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव तो बाद? शांतिपूर्ण चल रहा है, ये जारी रखांगे। असि किसी काम परेशान नहीं कर रहे। रमन, वैसे की परहेज की है किसानों कमेटी बनाने तो की लगता है कि मामला लटक जाएगा इस वजह नाल, या लगता है कि कमेटी के कुछ अजे लोग शामिल कर ले जाएंगे जो सरकार का जो डिसीजन है उसको थोपने की कोशिश करेंगे? क्यों किसान कमेटी वाला रस्ता नहीं चुनना चाहते? जी मेरे को जी किसानों कमेटी बनाने इतराज इतने गल की है कि किसान मान रहे हैं कि जी धिर सुप्रीम कोर्ट गई जिन्हें पटीशन पाई है, जिन्होंने वो केंद्र वालों ही पवाई गई है, केंद्र वालों ही उन्होंने खड़े किया गया। केंद्र सरकार कहती है कि इन्हों डीरेल किया जाए, इसको लंबा लमकाया जाए, बोलो किस ना किसी भाने इस कानूनी प्रक्रिया दे दी जाए जो इन जटिल होंगी, जिससे छेती छेती जो फैसले आने संभव नहीं होंगे, इसकी हीरिंग लंबी चलती रही है। पर साढ़े कोई इन्ना समा नहीं है क्योंकि जे कानून है ऑलरेडी जे लागू हो चुके हैं। सानू यह मन रद्द करवाए कि जावे सुप्रीम कोर्ट का, उसको रद्द कराने के लिए जावे, ना कि यह कराने के लिए जाओ कि साडा अंदोलन जरा समाप्त किया जाए इजाजत मिली है। एक कल जाके ये पक्ष रखेंगे कि सानू कमेटी नहीं चाहिए और बिल रद्द किए जाए, ये कह रहे हो तुसी? जी हाँ, ये गल स्पष्ट है कि जिहड़ी अठ जथेबंदियों नूं कहा गया है, वड्डियां जथेबंदियां ने जिहड़ियां कुछ पंजाब तों एक यूपी तों एक हरियाणा तों है, कहा गया कि तुसीं इहनां जिहड़ी हैगी आ धिर बनन वास्ते पार्टी बनन वास्ते कहा गया जो अज पार्टी सुझाव दिता सी कमेटी बनाउण दा, जिहदे केंद्री केंद्र वल्लों होणे सी माहिर होणे सी जथेबंदियां दे आगू होणे सी, पर जो हुण साडे कोल जानकारी मिल रही है इनसाफ कर दिता है, हजे उन्होंने नोटिस दा जवाब तां नहीं भेजा। इह गल कह दित्ती है कि असीं इसका जवाब इसे रूप में देंगे, असीं धिर बन नहीं आए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का असीं आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हर फैसला सानू पैगा, फिलहाल जिहड़ा कि किसानां दा रुख लग रहा है। किसानां दा कहना है कि असीं धिर बनन नहीं आए, असीं किसी कमेटी का हिस्सा बनन नहीं आए, साडी इक्को इक मंग है कि इन्हां बिलां नूं इन्हां कानूनां नूं रद्द किया जाए। अज सुप्रीम कोर्ट दे विच की होया, केंद्र ने की पक्ष रख्या, सुप्रीम कोर्ट ने की कहा, वेखो ये विस्तार रिपोर्ट। सड़कां ते चल रहा किसानी अंदोलन संसद तक तो नहीं पहुंच सकिया, पर देश दी सर्वोच्च अदालत विच जरूर पहुंच चुके है। करोना काल दे बावजूद हजारा किसान 21 दिनां तो सड़कां ते डटे हुए ने, पर सरकार ने करोना दे चलदियां सर्द रुत इजलास ना बुलाउण दा फैसला कर रहा है। अजे विच केंद्र बनाम किसानां दा रेड़का हुण सुप्रीम कोर्ट वल्लों सुलझाया जाएगा।
क्योंकि सरकार हुण तक किसानां नूं मना सकण विच नाकाम रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस मसले नूं एक कमेटी का गठन करके नबेड़िया जाए। इस दे नाल ही सुप्रीम कोर्ट वालों पंजाब ते हरियाणा नूं नोटिस जारी करके वीरवार नूं जवाब देण दा हुक्म दित्ता है। वख-वख पटीशनां तों बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ये सुझाव दिता। सुप्रीम कोर्ट द हॉनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया had said orally to the solicitor general that the supreme court is willing to appoint a committee to sort out this problems of farmers protest and all. So farmers union, farmers leader should be implicated in this petitions and issues. So directed the concerned party to implicate this farmers union, and supreme court honorable Chief Justice of India asked the Solicitor General the list of these farmers union leaders so as the Supreme Court may sort out this problem and solve this issue. दूजे पासे सुप्रीम कोर्ट विच केंद्र ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि केंद्र हमेशा गलबात लई तैयार सी अते अग्गे भी तैयार है। गलबात विच मुश्किल किसानां दा हां जां ना वाला रवैया है। कई मंत्रियों ने हुण तक किसानां नाल गलबात कीती पर उन्होंने गलबात तो मुंह मोड़ लिया। इंज लगता है कि किसानों के अंदोलन बहाने कुछ होर हितों को साधन की कोशिश की जा रही है। केंद्र के इस पक्ष से सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार कह रही है कि वह किसानों खिलाफ कुछ नहीं करेगी, पर यह कहने का की फायदा जो किसानों का इस पर माड़ा प्रभाव पै रहा है। तुहाड़ी गलबात मुड़ फेल होगी क्योंकि किसान नहीं मनणगे। देश भर दिया किसान जथेबंदियों के मैंबरां नाल एक कमेटी का गठन किया जाए, साढ़े सामने जथेबंदियों के नाम रखे जाण। ये जल्दी ही कौमी मुद्दा बन जाएगा। ये जरूरी है कि इसनूं गलबात दे राही हल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों किसान जथेबंदियों नूं केस विच पार्टी नहीं बनाया गया, उन्हां नूं बिना सुने कोई फैसला किवें सुनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट विच हुण इस मामले की अगली सुनवाई वीरवार को होगी, पर इस विचाले दिल्ली के वक्खो वक्खरे बॉर्डरां ते बैठे किसानां दीआं प्रतिक्रियावां भी सामने आईआं ने। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋ ਇੱਕ ਉਸਕੇ ਕੰਧੇ ਪਰ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਸੰਮਤੀ ਬਣੇ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕਾ ਤੋ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋ ਹਮ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ, ਉਸਕਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੇ ਮੋਦੀ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਮੇ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਹਮ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮ ਇਨ ਖਾਲੀ ਹੱਥੋਂ ਸੇ खाली हाथों से लड़ेंगे। हम तो जस साहब से भी कहना चाहते हैं, जो हमारी चल रही है, सरकार को आदेश दें कि हमारे किसानों के जो काले कानून उन्होंने बनाए हैं वो काले कानून खत्म कर दें। हम रोड अभी साफ करके चले जाएंगे। कोई बात हो खुले मंच पर निर्णय लिए जाए और मीडिया के सामने निर्णय लिए जाए। खुले मंच पे बात हो, सरकार हम तैयार है करे, लेकिन खुले मंच पे बात हो और जो भी बात हो वो स्पष्ट होनी चाहिए और हमें ये काले कानून वो वापस लिया जाए और उसके बाद किसान आयोग का गठन, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो, ये मांगे हैं जो पहले से चली आ रही हैं उनको किया जाए। उधर कानूनी मामलों के माहर भी सुप्रीम कोर्ट वालों दिए गए इस आदेश पीछे केंद्र सरकार की अपनी नाकामी लुकाने की कोशिश दस रहे ने। जब सरकार ने देख लिया कि ये जिहड़ा है अंदोलन टस तो मस नहीं हो रहा, उस टाइम ते जाके जिहड़ा है सुप्रीम कोर्ट लोगों का पूरा तण पत्तण देखने तो बाद जिहड़ा है उस दे विच हुण जिहड़ी है सुप्रीम कोर्ट कुदी है, पर मैं समझदा है कि यह जिहड़ा है हो सकता कि इहदे वधिया रिजल्ट आ। किसान खेती कानून रद्द करवाउण ते बजट ने तो दूजे पासे केंद्र अपने फैसले नूं सही साबित करन दे लई हर हीला वरत रही है। अते हुण अजे विच सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचण दे बाद यह मामला किन्नी छेती अते किस तरह हल हुंदा है यह वेखना होएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज़।